My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. P.N. Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया। मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कार्यालय सिधौली पर। यहां पर हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक प्रमुख सिधौली रामबख्श रावत जी। उनसे जानेंगे, कौशल किशोर यहां से प्रत्याशी है उनके समर्थन में, वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा जनता से समर्थन मिल रहा है, आइए जानते हैं। चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौशल किशोर तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं, दो बार वो सांसद रहे, मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में भी मंत्री है। इस समय जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? अच्छा समर्थन दिख रहा है। जो मोदी और योगी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता, गरीब जनता को मिल रहा है। इसलिए जनता कौशल किशोर को इस बार यहाँ सिधौली से पूरा सपोर्ट कर रही है और कोई विरोध नहीं कर रहा है, उनको यहाँ से हम जिताएंगे। प्रमुख जी, एक बात जानना चाहेंगे, अभी तक लोकसभा में, विधानसभा सिधौली, दो बार के चुनाव में सिधौली से हार का मुंह देखना पड़ा है सांसद जी को, इस बार कैसी तैयारी है, कैसे आप लोग विधानसभा सिधौली जीतेंगे? तैयारी क्या है, इस बार सब कार्यकर्ता लगा हुआ है और हमको जनता का बहुत भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं और गरीब जनता का सपोर्ट मोदी जी के साथ है। इसलिए हम इस बार सिधौली विधानसभा 100% जीतेंगे। विपक्ष आरोप एक लगाता है कि यह केवल जुमलेबाजों और लफाजीबाजी की सरकार है, इसमें जनता के काम नहीं हो रहे हैं। जनता का काम बहुत हो रहा है, जनता को जमीन स्तर पर तमाम आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, राशन मिल रहा है, सारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं उनका भरपूर लाभ मिल रहा है, कोई जनता में कोई इसका विरोध नहीं है। और विपक्ष तो हम चाहे जितना अच्छा करें लेकिन विपक्ष हमारे ऊपर आरोप ही लगाता है। प्रमुख जी, एक बात और जानना चाहेंगे, आवारा गोवंश को लेकर, जो कि एक प्रमुख समस्या है जिसके कारण बहुत से किसानों की जान भी जाती है, आवारा गोवंश को लेकर सरकार द्वारा अभी तक समुचित प्रबंध नहीं कर पाया है, अभी भी आवारा गोवंश सड़क पर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में? नहीं, सरकार द्वारा अब हर ग्राम पंचायत लेवल पर गौशालाओं का निर्माण किया गया है, कुछ शेष बचे हैं, उनमें काम चल रहा है। धीरे धीरे हमारी जितने गोवंश हैं वो हर ग्राम पंचायत में जो वो गौशाला बना है उसमें करे जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के बंद किए जाते हैं, उसी में उनको चारा पानी की व्यवस्था की जाती है और अब बहुत कम गौवंश घूमते नजर आते हैं। जी, युवाओं में बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर आक्रोश दिखता है, जो कि क्षेत्र में दिख भी रहा है, इस पर आते हैं। अभी पेपर ये पहली बार नहीं लीक हुए हैं, इसके पहले भी अन्य सरकारें रहे उनमें भी पेपर लीक होने ऐसी घटनाएं आई हैं और पेपर लीक हो गया है, उसके खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत कदम उठाया है और उन्होंने खुद कहा है कि चुनाव होने के बाद हम ये पुलिस भर्ती का पुनः पेपर हम करवाएंगे और जो इसके दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिधौली विधानसभा में कार्यक्रम लगा है, गांधी जी कॉलेज मैदान पर, इस कार्यक्रम के बाद क्या असर पड़ेगा क्षेत्र में? असर यही पड़ेगा कि हम सिधौली जीत कर देंगे, इस बार योगी जी आएंगे, उससे हमको और सपोर्ट मिलेगा और हम 100% सिधौली इस बार जीत कर देंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कौशल किशोर ऐसे नेता हैं जो कोई भी उनके पास काम के लिए जाता है या फोन करता है तो फोन उठाते हैं और सबका काम करते हैं, कोई पार्टी की बात नहीं करते, कोई जात धर्म की बात नहीं करते, वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, ऐसे नेता को बार बार सांसद बनना चाहिए।
तो या थे हमारे साथ जो सिधौली के ब्लॉक प्रमुख है रामबख्श रावत जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा हमारे जो सांसद वर्तमान के सांसद है कौशल किशोर, जो प्रत्याशी इस बार हैं, वह सभी का काम करते हो, किसी से उसकी पार्टी नहीं पूछते हैं, किसी से उसका दल नहीं पूछते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। सिधौली से अब कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।